स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। टुडे इज 3/4/2020 एंड द टॉपिक इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस कि एक सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो कि जिसका एक पूरा अर्थ होता है, जिसकी एक पूरी सेंस होती है। देयर इज नो लिमिट ऑफ वर्ड्स टू बी एडिड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर ऑलवेज। जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। इट एंड्स, ये एंड्स किस चीज पे होता है? इट एंड्स आइदर विद अ फुल स्टॉप, या तो इसके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है या फिर अ क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है सेंटेंस को एंड करने के लिए। इट मस्ट हैव अ वर्ब इन इट, और एक सेंटेंस के अंदर वर्ब जरूर होती है। ये नेसेसरी होता है कि वर्ब जरूर हो, अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट होता है। आई सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बनाता है। और स्टेटमेंट होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। सिंपल, दिस इज माय वाटर बोतल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, जो कि फुल स्टॉप पे एंड होता है। और इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई वाटर बॉटल, हेयर दिस इज सब्जेक्ट, इज वर्ब, वाटर बॉटल इज ऑब्जेक्ट एंड हेयर इज द फुल स्टॉप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव। द सेकेंड टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव। इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है और ये भी फुल स्टॉप पर ही एंड होता है। इसमें नो या नोट का यूज किया जाता है आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद नो या नोट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, हेयर वी यूज नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, रिटर्न फ्रॉम द पार्टी येट, रोहन अभी तक पार्टी से नहीं लौटा है, फुल स्टॉप, नॉट नहीं लौटा है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी आई है इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इंटेरोगेटिव। द सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन बनाता है वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इट वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क पर ही एंड होता है। स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी डू, फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हो, डू यू, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डू, फ्रॉम द ऑक्सिलरी वर्ब्स, यू प्ले चेस एंड
बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मार्क डू कम्स इन द स्टार्टिंग. ऑक्सिलरी वर्ब से ये स्टार्ट होता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है. और द सेकेंड टाइप होते हैं व्हाट टाइप, व्हाट वर्ड. स्टार्टिंग में व्हाट वर्ड का यूज किया जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. आप अपना प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करोगे, कब. कब इट मीन्स व्हेन. व्हेन विल यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. नंबर थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट कमांड और एन ऑर्डर. ऐसा सेंटेंस जो क्या चीज एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, या तो उसमें रिक्वेस्ट की गई होती है, किसी चीज के लिए प्रार्थना की गई होती है, या फिर किसी चीज के लिए कमांड की गई होती है, या फिर किसी को ऑर्डर दिया गया होता है. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ओनली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. प्लीज और काइंडली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. अगर रिक्वेस्ट की गई होगी तो प्लीज का यूज करते हैं. प्लीज गो देयर, प्लीज ब्रिंग द बोटल. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग दैट बुक हेयर, वो बुक इधर लाओ. प्लीज शट द विंडो, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए. तो प्लीज मतलब किसी ने प्रार्थना की है कि प्लीज ऐसा कर दीजिए, तो उसके लिए इसमें प्रार्थना की जाती है, कमांड दी जाती है, या फिर ऑर्डर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन. दिस इज द नंबर फोर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग ऑफ जॉय, ग्रीफ, वार्निंग एंड फियर. ऐसा सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन होते हैं, जैसे कि हमें एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है, या फिर किसी चीज़ के लिए डर होता है, चेतावनी दी जाती है. ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं. और इन सेंटेंस में जो लास्ट में ये जो इसका साइन होता है, वो ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है. द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्सक्लेमेशन इन ए सेंटेंस इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर आता है. फॉर एग्जाम्पल, वो खुशी दिखा रहे हैं, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वो कितना अमेजिंग आश्चर्यचकित दृश्य है. हाउ नॉटी ही इज, वो कितना शैतान है. तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन के साथ ये एंड हुआ है.